भाभी ने ये केक दिया है और एक दिया केक की आप लोग खाइए सब। लगे भाई बहुत से लोग हैं हमारी। ये है लेडीज रूम, यहाँ पर लेडीजों के लिए व्यवस्था अच्छी है। निर्देश दे रही हैं कि सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं और सबको बात करेंगी, सारे चैनल पे बात करेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत के कोनो भाषा में आज तक कोई फिल्म ना बनल बा जौन में हीरो खुद प्रेग्नेंट बा। साथ आपने देखा ही है कि मेरा एक गाना भागा था, उसी को मैं सेलिब्रेट की तो अपने हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है आज के न्यू इंटरेस्टेड ब्लॉग में। आज हम चलने वाले हैं दोस्तों गोरखपुर में गोरखपुरिया भौजी के साथ मीटअप में, क्योंकि आज उनका है जन्मदिन और जन्मदिन में उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबरों को, बहुत सारे प्यारे प्यारे लोगों को बुलाया है। वहाँ पर देखेंगे कौन कौन से लोग आए हैं, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे बात भी करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर वहाँ पे चलते हैं बात हमारी हो पाती है नहीं हो पाती है, और उनके मीटअप में यानी कि गोरखपुरिया भौजी के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाएगा। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमारे यहाँ खलीलाबाद संत कवि नगर डिस्ट्रिक्ट में श्री कृष्ण भगवान की जन्मोत्सव की वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिए, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया। और पासी में ये श्री राम जानकी मंदिर है और यहाँ पर एक दिन बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ का भी प्रोग्राम शाम को आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी हम चलते हैं गोरखपुर। गोरखपुर का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं गोरखपुर। बाइक है और इसी बाइक से हम चलने वाले हैं। एक मैंने हेलमेट भी ले लिया है। गए हम चौराहे पे, यहाँ पे अभिषेक जी हैं, अपनी बाइक से अभी आ गए हैं, उनके साथ एक मित्र हैं। तो अभिषेक हमारा कब से इंतज़ार कर रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। तो देखिए आज हम जा रहे हैं गोरखपुरिया भाभी का बर्थडे है, तो भैया को इन्फॉर्म किया तो भैया हम यहाँ पे 10-15 मिनट से खड़े हैं, भैया का वेट कर रहे हैं। तो भैया अभी को आए तो हमारे साथ एक और भैया हैं मुन्ना भैया, तो उनके साथ हम लोग तीनों लोग जा रहे हैं। अभी तीनों लोग हम लोग इस बाइक पर सवार होकर चलते हैं और बहुत ही आनंद आने वाला है इस वीडियो में, और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा आप लोग। तो चलिए चलते हैं पेट्रोल पम्प नौरंगिया पे, और यहाँ पर ट्रक खड़ी है, बहुत सारे तेल भरवाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर अभिषेक है, अभिषेक भी इंतज़ार कर रहा है, साथ ही में सुजीत यादव हैं, अभी इनसे हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई है यहीं पर, और इनके साथ इनके सहपाठी हैं गोलू यादव जी। तो आप बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे तेल भरवाने के लिए आप लोग आए हो? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है जब तेल भरवाना होता है? नहीं नहीं, लाइन में खड़े हैं तो जल्दी लगी रहती है। आप कह रहे हो अच्छा लग रहा है। देखो जब कभी तेल भरवाना हो, कोई आपके साथ का मित्र मिल जाए तो उस समय जो है मौसम कुछ अलग हो जाता है, वहाँ अच्छा लगता है। अब बरहा लग रहा है, पर्सनल अकेले हो, कहीं इमरजेंसी है और जा रहे हो तो वहाँ पर बुरा लगता है। तो सुजीत यादव जी आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं सर, देखिए आपके सामने ही तो सब हैं। कुछ कहना चाहते हो तेल भरवाने के संबंध में? बाइक जब ऐसे जल्दीबाजी हो, तेल भरवाना हो तो उसमें क्या करेंगे? तो जब परीक्षा देने जा रहे हो तब भाई। तो दोस्तों देख सकते हो कि इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। मुझे लगता है कि टैंकर में इनके जो है तेल भरवाना था। बहरहाल कोई बात नहीं, तेल उन्होंने भरवा लिया, हम चलते हैं अपनी भी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग हैं गोरखपुर में पहुंच गए, जहां पर भोजपुरिया भौजी का आज बर्थडे मनाया जाएगा। आप लोग देख सकते हो यही वो जगह है और देख सकते हो कितना भीड़ लगा हुआ है यहां पे। अभी हम जूम करके दिखाते हैं आपको कि कितने सारे लोग आए हैं। बहुत अंदर जो है उत्सुकता हो रही है कि जल्दी से वहाँ पर चलें और मिलें और देखें वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं। यहाँ पर अभी जहाज़ बहुत नीचे से जा रही है, ये देखो
इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ऊपर से जहाज जा रहे थे जो अभी आपने देखा, काफी सुंदर नजारा था यहाँ पे, काफी लोग इकट्ठा हुए थे। अभी ये प्रथम तल है, अभी हमें जाना है सेकेंड तल पे। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखो दोस्तों ये प्रथम तल है। अभी उसी रास्ते है जहाँ पे भैया लोग खड़े हैं, उसी रास्ते हम लोग ऊपर चलेंगे। और अभी अब सिख जो है नीचे गया है, बाकी नीचे वहाँ पे बहुत सारे छोटे यूट्यूबर आए हैं भैया भौजी से मिलने के लिए। और अभी आप देख सकते हो हमारे बगल में एक टैटू है। कितना प्यारा लग रहा है टैटू, ऐसा लग रहा है भोजपुरिया भौजी यही। और चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये देखो हम आ गए हैं सीढ़ी पर, यहाँ पर देखो क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ पे हम आ गए हैं। तो देखो आप यहाँ पे भाभी ने क्या लोगों के लिए व्यवस्था किया है। देखो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने व्यवस्था किया आप देखो। और हम थोड़ा प्रसाद के रूप में आइए कह ले कि दूर दूर से जितने लोग आए हैं उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था। ये मिठाई है और साय क्या समोसी है कि समोसा है। अच्छा इतना बड़ा समोसा है, ये देखिए इतना बड़ा समोसा है, क्या बात है। तो हो इतने सारे यूट्यूबर यहाँ पे हाँ इकट्ठा हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हो कि मेरे पीछे भाभी हैं और आ गए हैं हम लोग इनसे मिलने के लिए। काफ़ी स्ट्रक्चर है हम लोग इनसे बात भी करने के लिए। और अभी भाभी जो हैं अपने कार्यों में लगी हुई हैं, सबको दिशा निर्देश दे रही हैं, सबको दिशा निर्देश दे रही हैं। भाभी भाभी हमारी जो है सबको दिशा निर्देश दे रही हैं कि सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं और सबको बात करेंगी, सारे चैनल पे बात करेंगी। बिल्कुल ये भाभी जा रही हैं और बहुत ही प्यारा ब्लॉग होने वाला है ये देखो। पर ये देखो बहुत प्यारा सा रूम सजाया गया है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो एक हेड रूम भी है और यहाँ पर ये भाई हमारी भाभी का मेन ऑफिस है जहाँ पर डायरेक्टर और मैनेजर सभी लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारी शील्ड यहाँ प्राप्त हुआ है इनको, आप देख सकते हो यहाँ पर शील्ड भी रखा हुआ है। बातचीत हो रही है और आगे चलते हैं ये देखो। और ये है लेडीज़ रूम, यहाँ पर लेडीज़ों के लिए व्यवस्था अच्छी है। और देखो यहाँ पर कितने सारे यहाँ पे यूट्यूबर आए हुए हैं। और यहाँ पे देखो दोस्तों भोजपुरिया भाभी यहाँ पे हैं, आप देखो देखो प्यारे प्यारे बैलून भी यहाँ पे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आज देखो सारे लोगों के लिए खास ध्यान रखा है उन्होंने और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। और आज तो कुछ अलग ही होने वाले हैं भैया जी, देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो चंदन लगाए हैं और इनका बाल तो इतना बड़ा है कि मेरा बाल तो झड़ गया, क्या बताऊँ, मेरा भी बाल यहीं की तरह था। भैया क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम सिंगर अंकित हैं और जी नमस्कार करते हैं सबसे पहले। और इनके चैनल पर और हमारे चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इनको आगे बढ़ाइए। अंकित सिंगर जी हैं, बहुत ही प्यारा ये सॉन्ग लाते हैं अपने चैनल पे। इस समय आज सॉन्ग आया है खैला बस से चला था दवैया रे, लोग प्यार थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं और आप भी लोग दीजिए, जो लोग इनसे जुड़े हैं थोड़ा दीजिए, तभी तो हम लोग यार कितना मेहनत करके देखिए तो तबला पे आ गए हैं खड़ा हो गए, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है भोजपुरिया भौजी का सेलिब्रेट करने के लिए, काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं और ये वही जगह है यहाँ पर भोजपुरिया भौजी का केक कटेगा। और ये उनका साइंस बिन द डो, ये उनका बैनर लगा हुआ है। और पास में छोटे मोटे या जो भी यहाँ पे बड़े बड़े क्रिएटर हैं अपने अपने चैनल पर लोग प्रमोशन पे लगे हुए हैं कि यहाँ पर भोजपुरिया भौजी से प्रमोशन कर लेंगे। और यहाँ पे देखो यहाँ राधा मैडम यहाँ बैठी हुई हैं और देख सकते हो सबको जो है अवसर मिल रहा है यहाँ पर बातें करने के लिए, मिलने के लिए।
सकते हो कि यहाँ पर इतने सारे यूट्यूबर आए हैं और इन्हीं यूट्यूबर में मैं ऐसे यूट्यूबर से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने 3 महीने में 6 लाख सब्सक्राइबर गेन करने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी उन्होंने प्रदान किया है। आइए उनसे मिलवाते हैं, उनसे बात भी करवा। देख सकते हो भैया जी के साथ हैं, भैया और उनकी पत्नी जी भी हैं साथ में। इन्होंने 3 महीने में 6 लाख सब्सक्राइबर गेन करने का अपॉर्चुनिटी प्राप्त किया है और इनसे सुनते हैं इन्होंने क्या ऐसा किया जो कि इतने लोग इनके साथ हो गए हैं। हमारे गुड़िया जी का देन है, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है। और प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करिएगा भैया लोग को, तो भैया चंदन सोनी आर्ट को प्लीज़ आप लोग शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट करिए। आप लोग जैसे हमको प्यार प्यार देते हैं, प्लीज़ आप लोग इन लोगों को भी दीजिए। और इनसे मिला आप लोगों ने दोस्तों और बड़ा ही यहाँ पर आकर के हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि 3-3 महीने में 4-4 महीने में इतने सारे जो है सब्सक्राइबर गेन कर ले रहे हैं। और आइए, और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये है कि आज भोजपुरिया भौजी से मिलने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है और अभी उनका इंतजार हो रहा है। तो देखिए अब कब तक वो भोजपुरिया भौजी आती हैं। मेरे बीच में भोजपुरिया भौजी आ रही हैं, आप देखो टीम के साथ कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ आ चुके हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उत्साहित करने वाला होगा ये। भाभी के साथ आज सेलिब्रेट करेंगी अपने जन्मदिन के अवसर पर। इसको ध्यान से देख रही हैं किस पे कौन सा नाम लिखा हुआ है और क्या करना है। उनके साथ जो है शील्ड भी लगा हुआ है, आप देखो अपने टीम के साथ यहाँ पे आई हुई हैं और अभी सबके सेलिब्रेट करेंगी। ये देखो आप इनकी टीम में कितने सारे लोग हैं, ये देखो। और आज बहुत ही धमाल होने वाला है सेलिब्रेशन पे। आप यहाँ देखो और यहाँ देखो, दोनों फोटो आपको यहाँ पे मैच हो रहा है। आप देखो कितना प्यारा लग रहा है ये भाभी के साथ, और सबको दिशा निर्देश दे रही हैं भाभी। ऐसा बैठे अपने पीछे अपने फिल्म और टोपी दे ले आते हैं। अरे हम थोड़ी लगा आए, ये सब पार्टी के चला चपाटी लगा ये फिल्म में आता है जुगाड़ी गाड़ी भी आता है बताएं। ऐसा पीछे तो करे जाने मैं भाभी और भी मिल के आई हीरोइन ने डरा लाके प्रेग्नेंट कर दिया। भोजपुरी फिल्म भाभी के साथ हम बनौले बाटी जो हिंदी भोजपुरी साउथ मतलब भारत के कोनो भाषा में आज तक कोई फिल्म ना बनल बा जो उन्होंने हीरो खुद प्रेग्नेंट एक महीना के अंदर वो फिल्म टीवी पे आ जाए। बहुत जल्दी टीवी पे देखे करते मिली जाने के नाम जुगाड़ी बा भौजी। वहू में हमारे भौजी है, जीवन में भी हमने के देवर भौजाई के एक पवित्र रिश्ता बा जौन जैसे की सीता जी का लक्ष्मण जी के रहा लो रखने बाटी हमने के। हमें दोस्तों इस सेलिब्रेशन में देखो रजनी कौशल भी आ गए हैं अपनी पति पत्नी के साथ, और साथ ही में विश्वराज मालती चौहान का भी यहाँ पर आगमन अभी हो ही रहा है। ये जो कुर्सी पे बैठी हैं औरत, ये हैं सास बनी है। बहुत सारे फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में इन्होंने काम किया है और हत्यारण सास जो इनका भोजपुरिया भौजी का जो फिल्म है वो तो फिल्म का नाम हत्यारण सास है। उन्होंने सास का जो है रोल निभाया है। चलिए पहला अवार्ड जो है छोटी बच्ची है एंजल, सबसे छोटी बच्ची है जो एंजल, ये अवार्ड उसके लिए है और ये अवार्ड उसी को दिया जाएगा हमारे क्रिस बाबू के हाथ। एंजल देखिए इतनी छोटी बेबी है और इसको अवार्ड मिल रहा है। अभी नेटवर्क उत्साहित किया इन्होंने कि यूट्यूब पे मेहनत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और अभी जो है भोजपुरिया भौजी का केक कटने जा रहा है जिसका कभी इतनी देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो वो देखिए किस तरह से केक कट रहा है, किस तरह से वो काटने वाली है, देखिए वो।
अरे भैया भाई धक्के मत, आगे जाओ आगे, उधर से बनाओ, उधर से आगे जाओ। गिरी जी बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। दोस्तों गुरप्रिया भौजी जो है अपनी बिटिया को छनछन को भी खिलाई और साथ में एक्टर को भी खिला रही हैं। और यहाँ पर एक और आए विष्णुराज, विष्णुराज भी यहाँ पास में मेरे हैं, वो भी नहीं रोक पाए अपने आप को सेल्फी लेने से। देखो दोस्तों चश्मा लगाए हुए ब्लू कलर का सेल्फी अपना ले रहे हैं गुरप्रिया भौजी के साथ, कह रहे हैं अरे थोड़ा सा हटाओ थोड़ा मेरा भी। देख सकते हो कितने लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। देखो कैमरे में मेरा आ नहीं रहा, इतना भीड़ है, सभी लोग सेल्फी लेने के चक्कर में एक दूसरे को धक्का भी दे रहे हैं। और ये देखो रिंग भी पहना रहे हैं, रिंग पहना रहे हैं भैया जी, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको तोहफा दे रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं विष्णुराज जी को भी केक इन्होंने खिलाया। आप ये देखो अभी भी इनके मुंह पे लगा हुआ है केक, हमको भी मिल गया, अकेले खा लिए हम लोग, भी इंतजार कर रहे हैं सारे लोग के, हाई लोग भी केक पाए। आप देख सकते हो गुरप्रिया भाभी ने ये केक दिया है और एक दिया केक की आप लोग खाइए, सबको खिलाइए, काफी प्यारा केक है। देखो दोस्तों तो अभी सब लोग हम लोग मिलकर के सभी लोग खाएंगे। गाइस आप देख सकते हो मालती चौहान ये हैं और उनके साथ विष्णुराज जो ब्लैक कलर का चश्मा लिए हैं, ये भी अब इस पार्टी से चल रहे हैं सभी लोग। और साथ में पीछे एक्टर हैं और अनुष्का तिवारी पीछे है कलर में है। और ओके सभी लोग जा रहे हैं अभी और भाभी यहाँ आ रही हैं। देखो ये साइड हो जाओ साइड, ये देखो केक जो मैंने लिया था और सबको ये अभिषेक मुझको खिला रहे हैं और हम जो है ले लिए हैं, इनको भी खिला दें। और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर, भाभी ने बहुत अच्छे से जानकारी भी दिया और लोगों से कहा कि 10-10 लोग आइए यहाँ पे, हम सबसे मिलेंगे, उनसे व्यक्तिगत उनकी चैनल के बारे में उनसे व्यक्तिगत बातचीत करेंगे। वीडियो में शुरू रहे आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं भाभी से थोड़ा सा 2 मिनट हम मुलाकात करेंगे पर्सनल। दोस्तों ये देखो उनका ऑफिस है, ये देखो, और ऑफिस में सबसे मिल रही हैं, सबसे वार्तालाप कर रही हैं और मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ भौजी के साथ। पहले भौजी को मैं प्रणाम करूंगा, भाभी नमस्ते। नमस्ते। और मेरा चंदन सोनी आर्ट नाम से ब्लॉग है जो मैं आपका भी पार्टनर मिला था, चंदन का जब बर्थडे था वहाँ आपने बोला था, तो आज आप क्या बताना चाहेंगे सेलिब्रेट आपने किया, क्या दिया है लोगों को आपने? लोगों के लिए मैं देखिए पहली बात तो मेरा यूट्यूब फैमिली है, कोई भी मेरा काम है तो मैं अकेले नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरा चाहे लोगों के साथ आपने देखा ही है कि मेरा एक गाना भागा था, उसी को मैं सेलिब्रेट की हूँ तो अपने फैमिली के साथ की, फैमिली मेरा यूट्यूब फैमिली है, इसी से मेरा ये रोजी रोटी है, भगवान देवता है जी। तो पब्लिक ही परमात्मा है, तो मैं इसीलिए पब्लिक को बुलाई थी ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकें और लोगों को बता सके कि बता सके 0 से लेकर 1 मिलियन तक का सफर कैसा रहा, टूटे चप्पल से लेकर के और 1 मिलियन का बहुत दोस्तों और जानकारी आपको मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब चलते हैं बाहर, अच्छा लगा भाभी से हमने मिल लिया और उन्होंने काफ़ी सीक्रेट दिया कि 0 से लेकर 1 मिलियन तक का सफ़र कैसा रहा। और हमारे पास भाई साहब हैं सोहन गुप्ता जी, इन्होंने बहुत हमसे वार्तालाप किया कि किस तरह से क्या सपोर्ट किया भोजपुरिया भाजी ने, हमने इनसे समझाने की कोशिश की लेकिन हमारी जो कोशिश जो रही नाकाम रही, हमने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, बाद में संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको, सोहन गुप्ता जी। और चलिए अब गुरप्रिया भाजी का जो ये सेलिब्रेशन था बर्थडे का, यहाँ तक आप लोगों ने देखा और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन उम्मीद है आज की वीडियो बहुत अच्छी रही होगी, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो थी जो कि सफ़र रहा ये खलीलाबाद से लेकर के गोरखपुर तक चलने का। कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ दुर्गेश सोनी और आप देख रहे हैं चंदन सोनी आर्ट यूट्यूब चैनल।
चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बाखैर।